स्टार्ट। सभापति महोदय, जो मुद्दा मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं, वह चीनी में की जा रही मूल्य वृद्धि के संबंध में है। अचानक सरकार की ओर से चीनी मूल्य वृद्धि करने से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, जनता पार्टी समता पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बतलाया कि इस प्रकार की तदर्थवादी नीति अपनाने से चीनी उद्योगों का भला नहीं होगा, इसलिए सरकार को एक व्यापक चीनी नीति बनानी चाहिए। इस नीति के अंदर चीनी मिलों को लाइसेंस से लेकर निर्यात करने से संबंधित सब मुद्दों में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार का यह तर्क देना गलत है कि गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने चीनी के मूल्य बढ़ाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि से सरकार भ्रामक स्थिति पाल रही है कि किसान को इस नीति से बड़ा लाभ होगा। मैं नहीं समझता कि इससे किसानों को कुछ लाभ हो सकेगा। उपसभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। सरकार के ये कदम आम जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जनसाधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। उपाध्यक्ष जी, एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ऊपर से चीनी के दाम बढ़ गए हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दामों में की गई वृद्धि का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है, दूसरी तरफ जनसाधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली शक्कर के मूल्य में एक वर्ष के अंदर दूसरी बार वृद्धि करने पर सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इससे पहले पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक और केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी, तो दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है। भारत एक विकासशील देश है, जहां पर एक चौथाई से अधिक जनसंख्या निर्धन रूप से जीवन व्यतीत कर रही है। यह जनसंख्या
बेरोजगारी के अभाव में, निर्धनता के अभाव में और कुपोषण के कुचक्र में इस तरह से फंसी हुई है कि सरकार के ढेर सारे इंतजाम के बावजूद भी इस निर्धन जनसंख्या को वे आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है जो आम आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इन नागरिकों की दयनीय स्थिति होना निश्चित तौर पर शर्म की बात है। अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कितनी ही गौरवशाली क्यों न हो, लेकिन जब इन उपलब्धियों को देश के प्रति व्यक्ति आय और निर्धनों की विशाल संख्या के साथ रखकर देखा जाता है तो मालूम होता है कि भारत की गणना आज विश्व के गरीब देशों में ही होती है। एक हिसाब से निर्धनता एक सापेक्षिक शब्द है जिसकी परिभाषा और परिधि देशकाल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भारत में निर्धनता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई आदमी उतनी भी आय अर्जित न कर पाए जो उसके जीवित रहने के लिए निम्नतम स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को क्रय कर सके। भारत में निर्धनता के विषय में परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास जुलाई 1962 में योजना आयोग के माध्यम से किया गया था। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए एक वैकल्पिक परिभाषा अपनाई है जिसमें आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन के भोजन में 2,434 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2,095 कैलोरी पोषण आवश्यकताओं को निर्धनता रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उन समस्त परिवारों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2,400 कैलोरी युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के वे समस्त परिवार निर्धनता की रेखा के नीचे माने जाते हैं जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी युक्त भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता। औसत कैलोरी आवश्यकता का अनुमान आयु एवं व्यावसायिक वर्गों के अनुसार जनसंख्या संरचना तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत किए गए कैलोरी मानक के आधार पर लगाया जाता है। आर्थिक रूप में निर्धनता रेखा उस उपभोग वर्ग का मध्य बिंदु है जहां कैलोरी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। स्टॉप।